अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दीवास किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, इट्स फ्री। आज मैं कैटरपिलर रोल बनाऊंगी, तो आइए शुरू करते हैं। एक पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल डालकर गरम कर ले। जब ऑयल गरम हो जाए तो उसमें 2 मीडियम साइज प्याज चॉप किया हुआ डालकर हल्का लाल होने तक भूने। प्याज हमारा लाल हो चुका है, अब हम इसमें 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और इसे भी कुछ देर भून लेंगे। अब इसमें 1/2 केजी चिकन का कीमा डालकर चिकन का पानी सूखने तक भूने। चिकन का पानी लगभग सूख चुका है। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक, टू टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालकर मिला लेंगे। और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालकर इसे कुछ देर के लिए भून लेंगे। अब हम इसमें एक छोटा टमाटर कद्दूकस किया हुआ डाल देंगे और इसे मिला लेंगे। चिकन में थोड़ा सा पानी डालिए और इसे ढककर कुछ देर पकने दीजिए ताकि चिकन हमारा अच्छी तरीके से गल जाए। चिकन हमारा रेडी हो चुका है, अब गैस को बंद कर दीजिए। अब हम रोल के लिए मैदा गूंदेंगे। यहां मैंने 2 कप मैदा लिया है, उसमें नमक, 1/2 टीस्पून मंगरेल, 1 टेबल स्पून घी डालकर उसे अच्छी तरीके से मिला ले। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैदे को गूंद लें। जब चिकन ठंडा हो जाए तो उसमें 1 प्याज चॉप किया हुआ, 2 से 3 हरी मिर्च चॉप की हुई, 1 खीरा चॉप किया हुआ, 1 और थोड़ा सा काला नमक डालकर मिला ले। अब रोल बनाना शुरू करते हैं। मैदे का छोटा सा बॉल बनाइए, फिर उसे ओवल शेप में बेल लीजिए।
इस तरीके से आप इसे छोटा या बड़ा बना सकते हैं अपने साइज के अकॉर्डिंग। अब एक चाकू की मदद से इस तरीके से कट कर ले। अब ऊपर के साइड चिकन का स्टफिंग रख दे। और चारों तरफ पानी लगा के इसे रोल कर ले। इस तरीके से रोल करें। इसी तरह से आप बाकी के रोल्स भी बना लीजिए। एक कढ़ाई में घी गरम करके उसमें कैटरपिलर रोल डाल दीजिए और उसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करिए। कैटरपिलर रोल तैयार है दोस्तों। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट।